नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको हरियाशियाना बिल्डर्स की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका हरियाशियाना बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेके आया हूं 2 BHK में बहुत ही शानदार फ्लैट, जो कि 65 गज में बनके तैयार हुआ है। काफी अच्छा फ्लैट है दोस्तों। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहां से द्वारका मोड़ का रहने वाला है, जो कि यहां से बस 500 मीटर की दूरी पे है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है दोस्तों। लोन अप्रूव्ड बिल्डिंग है। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो हमें यहां पे कार पार्किंग मिल रही है। फ्रंट में यहां पे 30 फीट की वाइड रोड मिल रही है दोस्तों। 30 फीट की वाइड रोड दोस्तों इजीली मिलती नहीं है। 30 फीट की हमें यहां पे वाइड रोड मिल रही है। काफी अच्छा है, फुल्ली वेंटिलेटेड हमारा ये फ्लैट रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो 6.66 रहने वाला है। तो एक बार मैं आपको पूरे फ्लैट का ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। अपने ड्राइंग रूम के अंदर आप देख सकते हो हमारा ड्राइंग रूम काफी स्पेसियस है, काफी बड़ा है, काफी अच्छा स्पेस है हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। आप यहां देख सकते हो मेरे साइड में स्पेस है। यहां पे हम इजीली 5 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं, उसके सामने ही हम टेबल रख सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा बिल्कुल यहां सोफा लगने के बिल्कुल सामने, आप देख सकते हो यहां पे हम लोगों ने आपको टीवी पैनल दिया हुआ है। यहां पे आप 52 इंचेस का टीवी इजीली प्लेस कर सकते हो। काफी अच्छा यहां पे डिजाइन बनाया हुआ है टीवी पैनल पे। आप देख सकते हो यहां पे जो इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है व्हाइट और ब्राउन कलर में, ये काफी अच्छा लग रहा है। यहां पे हम लोगों ने आपको स्पेस दिया हुआ है शोपीस रखने के लिए। आप देख सकते हो शोपीस रखने के लिए हमने आपको स्पेस दिया हुआ है। इसी के साथ मैं दिखाना चाहूंगा स्टोरेज भी है दोस्तों। यहां पे हमने आपको 2 ड्रॉर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर स्टोरेज है। आप अपना रिमोट या फिर कुछ भी रखना चाहते हो तो इसके अंदर इजीली रख सकते हो। और एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो कि काफी अच्छी लग रही है, काफी खूबसूरत लग रही है हमारे टीवी पैनल में, ये छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स हैं जो ये काफी अच्छी लग रही है हमारे टीवी पैनल में। और अगर बात करें इसी के साइड में, आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने आपको यहाँ पे एसी की फिटिंग करा के दी है। यहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हो दोस्तों। और इसी के ऊपर हम बात करें अगर फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग का डिजाइन भी काफी यूनिक है, काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो ब्लू कलर की लाइट्स लगाई हुई है, ये काफी अच्छी लग रही है, काफी शानदार लग रही है। उसी के साइड्स में आप देख सकते हो कॉब लाइट्स लगा के दी हम लोगों ने, काफी सारी कॉब लाइट्स है यहाँ पे और काफी अच्छी लग रही है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी यहां पे फैन नहीं लगा है, तो फैन हम आपको लगा के देंगे। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ अच्छा है, इसके अंदर वॉलपेपर का है। दोस्तों वॉलपेपर भी हम आपको लगा के देंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हरियाशियाना बिल्डर्स वाले आपको आपको वॉलपेपर लगा के देंगे। तो दोस्तों आप नीचे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरिंग का काम भी काफी अच्छा किया हुआ है। टाइल्स का कलर देख रहे हो दोस्तों, काफी डिसेंट सा कलर लग रहा है। ग्रे कलर की यहाँ पे टाइल्स लगाई हुई है, आप देख सकते हो काफी अच्छी लग रही है। उसी के साथ मैं आपको ले जाना चाहूंगा हमारे ड्रॉइंग रूम के साथ जो अटैच कॉमन वॉशरूम है। आइए दोस्तों मैं आपको ड्रॉइंग रूम के साथ अटैच कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो कॉमन वॉशरूम है जो काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। आप देख सकते हो स्पेस काफी अच्छा है, वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है। ये जो टाइल्स है काफी अच्छी लग रही है। और मेरे बिल्कुल पीछे जो टाइल्स है ये देखिए दोस्तों, काफी शानदार लग रही है, काफी रॉयल लुक दे रहा है ये जो हमारे वॉशरूम में, काफी अच्छी लग रही है। और एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, सैनिटरीज हम आपको लगा के देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सैनिटरीज हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे। उसी के साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा फ्लैट है जो फुल्ली
वेंटिलेटेड रहने वाला है। तो वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे आपको शाफर लगा के दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे शाफर लगा के दिया है वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने। इसी के साथ फ्लोरिंग का काम भी काफी अच्छा किया है वॉशरूम के अंदर भी। दो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड पे शाफर लगा के दिया, इस साइड पे भी आपको शाफर दे रहे हैं दोस्तों। फ्लोरिंग का काम भी बहुत ही अच्छा है, फ्लोरिंग में आपको यहाँ पे स्लिप ही नहीं रहेगा आपका वॉशरूम। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो हम लोग अपनी गैलरी के अंदर है, गैलरी में देख सकते हो काफी स्पेस है, काफी चौड़ी हमारी ये गैलरी रहने वाली है। इसी के साथ मेरे ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम आपको लाइट्स लगा के देंगे, कॉब लाइट्स लगा के देंगे हम आपको, जो कि आपके गैलरी में भी लाइट्स की कमी आपको बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। काफी बड़ा काफी स्पेसियस हमारा ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है। किंग साइज का बेड आप इजीली प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। किंग साइज का बेड लगाने के बाद भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल सकता है अपने साइड में। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे भी किंग साइज का बेड लगाने के बाद भी साइड में स्पेस मिल जाएगा, स्पेस की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है पूरे फ्लैट में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम आपको कस्टमाइज वॉलपेपर लगा के देंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, वॉलपेपर हम आपको लगा के देंगे। और एक और चीज, वॉलपेपर हम आपको आपकी पसंद का लगा के देंगे, यहाँ पे हम आपको आपकी पसंद का वॉलपेपर लगा के देंगे। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्प्लिट एसी का कनेक्शन हम आपको मास्टर बेडरूम में भी लगा के दे रहे हैं। आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम में भी आपको स्प्लिट एसी का कनेक्शन दे रहे हैं। और तो और इसी के ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग इस रूम में भी काफी अलग है, काफी यूनिक है। आप देख सकते हो काफी यूनिक वॉल फॉल सीलिंग है इसके अंदर, काफी यूनिक डिजाइन बना हुआ है। ब्लू लाइट दी हुई है साइड में, आप देख सकते हो ब्लू लाइट जो कि काफी अच्छी लग रही है, काफी अच्छा कलर लग रहा है। उसी के साथ में कॉब लाइट भी हमने आपको यहाँ पे लगा के दी है जो कि काफी अच्छी लग रही है। इसी के साथ में आपको दिखाना चाहूंगा हमारे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच जो वॉशरूम है, ये देखिए इसके अंदर भी काफी अच्छा स्पेस है। वॉल टू वॉल टाइल्स हमने आपको करवा के दिए है। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा था उस वॉशरूम के अंदर मेरे पीछे जो टाइल है ये काफी शानदार लग रही है, काफी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट रहने वाला है जैसे कि, तो इसके अंदर हम आपको शाफर लगा के दे रहे हैं। ये देखिए शाफर हम आपको लगा के दे रहे हैं और सैनिटरीज भी हम आपको अच्छी क्वालिटी की सैनिटरीज लगा के देंगे आपको, यहाँ पे हम सैनिटरीज लगा के देंगे, नो वरी। उसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अपने किचन की तरफ। आइए दोस्तों मैं आपको अपना किचन दिखाता हूँ। मैं किचन में अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर ही दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक स्पेस दिया हुआ है फ्रिज का, यहाँ पे आप अपना फ्रिज लगा सकते हो। हाफ वॉल टाइल्स का हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है, टाइल्स का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डिसेंट सा लग रहा है ये कलर। उसी के साथ आप देख सकते हो हमारे किचन में भी काफी अच्छा स्पेस है, ये लंबा रहने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो लंबा हमारा किचन रहने वाला है, फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट है तो किचन में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों विंडो। हम लोगों ने आपको यहाँ पे विंडो दिया है, चिमनी भी हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे, नो वरी दोस्तों यहाँ पे हम आपको चिमनी लगा के देंगे। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टोरेज दोस्तों, यहाँ पे हमें स्टोरेज काफी ज्यादा मिल जाता है। आप देख सकते हो स्टोरेज काफी अच्छा है, यहाँ पे स्टोरेज की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हमारे किचन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किचन के अंदर स्टोरेज की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं नीचे भी दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए दोस्तों स्टोरेज की कमी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। ऊपर से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है जो इसके अंदर वुडन का काम किया हुआ है, जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का वुडन का काम किया हुआ है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउन कलर का किया हुआ है। और तो और उसी के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आपको छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स लगा के दी है जो किचन के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल होती है नाइट में काफी यूजफुल होती है छोटी छोटी जो स्पॉटलाइट्स है। यहाँ पे जो हम लोगों ने आपको मार्बल का काम करवा के दिया है ये भी काफी अच्छा करवा के दिया है, काफी अच्छा क्वालिटी का हमने यहाँ पे आपको मार्बल लगा के दिया है। अगर बात करें वॉश बेसिन की तो आप देख सकते हो वॉश बेसिन के अंदर स्पेस काफी ज्यादा है, काफी बड़ा हमने यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया हुआ है, सैनिटरीज हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे, काफी बड़ा वॉश बेसिन लगाया हुआ है। इसी के बिल्कुल ऊपर में अगर दिखाना चाहूंगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने आपको आरओ लगाने का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप इजीली आरओ प्लेस कर सकते हो, काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर दोस्तों। आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेस है, काफी अच्छा लग रहा था हमारे किचन आप लोगों ने देखा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। आप देख सकते हो हमारा ये वाला बेडरूम भी काफी स्पेसियस है, काफी अच्छा है, काफी बड़ा
बड़ा है ये बेडरूम, यहां पे भी आप किंग साइज का बेड इजीली प्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहां पे किंग साइज का बेड लगाने के बाद भी आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम लोगों को यहां पे स्विचेस काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो स्विचेस यहां पे काफी ज्यादा है, हमको हर वॉल पे यहां पे स्विचेस देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसी के साथ-साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग आपको आपकी पसंद का वॉलपेपर लगा के देंगे। मेरे बिल्कुल पीछे यहां पे कस्टमाइज 3D कस्टमाइज वॉलपेपर हम आपको आपकी पसंद का लगा के देंगे दोस्तों। उसी के साथ आप ऊपर देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों यहां पे फॉल सीलिंग का काम भी काफी अच्छा किया हुआ है। यहां पे थोड़ा सा डिसेंट सा काम किया है फॉल सीलिंग का, आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है। ये जो स्क्वायर में फॉल सीलिंग लगा के दिए काफी अच्छी लग रही है। इसी के साथ हमने इसमें ब्लू लाइट्स और कॉब लाइट्स का जो काम किया हुआ है, जो कि हमारे पूरे फ्लैट में किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा था कि फुल्ली वेंटिलेटेड हमारा ये फ्लैट रहने वाला है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये विंडो यहां पे दोस्तों, ये विंडो दी हुई है दोस्तों जो कि हमारे बालकनी के साथ अटैच्ड है। इसी के ऊपर हम लोगों ने यहां पे आपको विंडो एसी लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। स्पेस की कमी आपको यहां पे बिल्कुल नहीं होगी, एसी के लिए भी आप यहां पे अपना एसी लगा सकते हो। यहां पे नीचे हम लोगों ने आपको जो विंडो दी हुई है हमारी बालकनी के साथ अटैच्ड है। मैंने जैसे कि कहा कि बालकनी के साथ अटैच्ड है, तो इस रूम के साथ जो अटैच बालकनी है वो दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आइए दोस्तों दिखाता हूं आपको, यहां पे भी हम लोगों ने बालकनी में भी आप देख सकते हो वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है। व्हाइट कलर की टाइल्स हम लोगों ने आपको यहां पे लगा के दी है। यहां पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हो दोस्तों, यहां पे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए स्पेस है। यहां पे आपको हम टैप लगा के देंगे, यहां पे हम लोगों ने आपको टैप के लिए दिया हुआ है, यहां पे हम आपको टैप लगा के देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 2 BHK का फ्लैट जो कि 65 गज में बनके तैयार हुआ है विद कार पार्किंग के साथ। काफी शानदार ये फ्लैट था, कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ये था हमारा फ्लैट। LIC लोन अप्रूव्ड बिल्डिंग है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6.66 रहने वाला है। काफी अच्छा फ्लैट, काफी शानदार फ्लैट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि विजिट जरूर करें, विजिट करें, कहीं आपके हाथ से ये फ्लैट निकल ना जाए। आपको यहां पे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करें, जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हमारे पास और भी फ्लैट्स हैं, 2 BHK 3 BHK हर तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो आई एम श्योर आप लोगों ने कर दिया। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों राधे राधे।